आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर जिला स्तरीय माँ चंडी मेला, माँ चंडी की पूजा अर्चना व हवन के पश्चात झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ प्रारंभ हुआ। माँ चंडी के मेले के शुभ आरंभ के पवित्र अवसर पर जिला सोलन के एसडीएम आशुतोष गर्ग व तहसीलदार कसौली कमल तोमर, मंदिर कमेटी के प्रधान, मेला कमेटी के प्रधान सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने माँ चंडी के मंदिर में पूजा अर्चना व हवन किया। उसके पश्चात एसडीएम सोलन ने माँ के मंदिर की परिक्रमा कर झंडे की रस्म अदा की। ढोल की ताल ने पूरे माहौल को रोमांचित कर दिया और एसडीएम सोलन व तहसीलदार कसौली के भव्य स्वागत समारोह को चार चांद लगा दिए। मेले के रंगमंच सभागार में पहुंचते ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रगान से हुआ। उसके पश्चात मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विधिवत प्रारंभ करने आए एसडीएम सोलन आशुतोष गर्ग ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। मंच पे आए और सरस्वती वंदना से इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। मेला कमेटी द्वारा एसडीएम सोलन को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। एसडीएम सोलन आशुतोष गर्ग ने 110 वर्ष प्राचीन इस माँ चंडी मेले की समस्त जनता को बधाई भी दी। आप सभी को इस मेले के शुभारंभ के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
माँ चंडी मेले में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजीव सैजल, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री ने भी अपनी मौजूदगी दी। इस अवसर पर उनके साथ दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, बलविंदर ठाकुर व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मेला कमेटी व समस्त जनता ने डॉक्टर राजीव सैजल व परमजीत सिंह पम्मी का जोरदार स्वागत किया। चंडी पहुंचने पर सबसे पहले मंत्री व विधायक मां चंडी के मंदिर में माथा टेकने गए, उसके बाद ढोल की ताल पर व अपने समर्थकों के नारों के साथ सभागार में प्रवेश किया। मेला कमेटी के सदस्यों ने डॉक्टर राजीव सैजल, परमजीत सिंह पम्मी व आए हुए मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी व डॉक्टर राजीव सैजल ने जनता को मेले की शुभकामनाएं भी दी। सौभाग्यशाली दिन है कि इस पावन अवसर पे जो चंडी माता का मेला बहुत सालों से चला आ रहा है, मुझे भी कई वर्षों से इस मेले में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपनी ओर से इस मेले की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे इस देश के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक मेलों की परंपरा है, और ये मेले जो हैं, ये इनके आयोजन के पीछे जिन हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने इन मेलों की संरचना जो की है, इसकी कल्पना जो की है, उसके पीछे कारण क्या है, जो मुझे समझ में आता है इन मेलों के आयोजन के पीछे कारण है कि कोई तो ऐसा मौका हो जब हम सब समाज के लोग, क्षेत्र के लोग, हम सब इकट्ठे हो सके। माँ चंडी मेले में अपनी रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देने आए स्कूल के बच्चों ने इतनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी जो कि मंत्रमुग्ध करने वाली थी। माँ माँ मुझे ये समझा दो, तू स्कूल पढ़ने के लिए जाता है
माँ प्लीज मुझे ये समझा दो ना। मैंने कहा ना स्कूल में पढ़ा गए। माँ प्लीज चाहते हैं कि बताओ तेरे को अभी। अपने बच्चों को तैयार करने के लिए थोड़ी 4-5 दिन आपके टीचर्स आपको कितना कोऑपरेट करते हैं? Thank you.
बाइरा मानीले मा बाकी हो जोरदार तालियां मुख्य अतिथि व दून के विधायक ने खेल के मैदान में भी जाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया व कुश्ती के अखाड़े में जाकर दंगल को भी विधिवत प्रारंभ करवाया। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।